चेंज करते हैं तो जिधर गए उधर लेंस को धीरे धीरे लेके आइए, और अब जब इसको देखेंगे तो उसकी उल्टी इमेज इसके ऊपर दिखेगी लेकिन विद पैरालैक्स दिखेगी। तो जब लेंस को अपनी तरफ लाएंगे या उधर ले जाएंगे तो देखेंगे कि एग्जैक्ट पैरालैक्स रिमूवल हो गया, यानी कि एक बार एक तरफ से सेट करके बीम रीडिंग नोट कर लिए, अपनी पोजीशन चेंज कर लिए और लेंस को अपनी तरफ धीरे धीरे खिसका के फिर पैरालैक्स इधर से भी दूर कर लिए। जब इधर से दूर किए तो लेंस की नई रीडिंग जनरेट होगी। ठीक है, वो स्केल जैसे लगाए थे पहले वैसे दोबारा ही लगा के रखेंगे और जैसे ऐसे लगा चुके थे पहली बार। अब ये नहीं कि पोजीशन बदलेंगे तो स्केल बदल गई, स्केल लगी हुई है, परमानेंट लगी हुई है। अब आप मान लेते हैं यहाँ लाए और आपको लगा कि हाँ पैरालैक्स दूर हो गया, तो आप फिर से ये नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको L1 L2 कहते थे ओ ऑब्जेक्ट नीडिल, L1 इमेज नीडिल और ये L2 कहते थे। और उसके बाद अगले कॉलम क्या है, अगले कॉलम में आपके पास है उस इमेज और ऑब्जेक्ट नीडिल का गैप और कैपिटल डी, और लेंस की दो पोजीशन का गैप साइन यहाँ पे नहीं क्रिएट करते हैं क्योंकि ये तो कैलकुलेट कर टेबल में साइन नहीं क्रिएट करते हैं, फार्मूले में यूज करने जाएंगे तो साइन की बात। ठीक है, क्योंकि पता नहीं स्केल आप 0 to 100 यूज़ कर रहे हैं कि 100 to 0 यूज कर रहे हैं, इसलिए कॉलम में नेगेटिव नहीं, कभी भी कॉलम में नेगेटिव नहीं आएगा ऑप्टिकल बेंच पर। तो जब आपको लेंस की दूसरी पोजीशन मिल गई तो पहला कॉलम हो गया ऑब्जेक्ट नीडिल, लेंस की पोजीशन इमेज नीडिल और जगह बदलने पर लेंस की दूसरी पोजीशन व्हेन देयर इज नो पैरालैक्स। और अब पांचवा कॉलम, चार कॉलम हो चुका है, कॉलम है दो नीडिल के बीच का गैप। अब फिर अगला कॉलम है लेंस की दो पोजीशन का गैप, लेंस की दो पोजीशन के गैप को स्मॉल डी कहते हैं और नीडिल की पोजीशन के गैप को कैपिटल डी कहते हैं। तो बिना कन्वेंशन के अब फोकल लेंथ का फार्मूला था कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी, जब रखेंगे तो फिर फोकल लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, फिर आपको नई रीडिंग चाहिए, मान लेते हैं 3 बार निकालना था, इसमें ग्राफ तो खींचना नहीं है, कहीं भी इसको चेंज कर। अब इसमें ये बाध्यता नहीं है कि स्केल वहीं से लगाएंगे क्योंकि रीडिंग ग्राफ तो खींचना नहीं, ओरिजिन फिक्स करें हम यहीं से फिर मेजर कर। हो सकता है कि पहली बार आपने थोड़ा सा मैग्नीफाइड ले लिया हो, दूसरी बार जब आप लिए तो एक्जैक्टली आइडेंटिकल रहा हो सकता है, तीसरी बार आपने बहुत ब्लर इमेज पर ही पैरालैक्स रिमूवल कर लिया हो तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो फोकल लेंथ तो हर बार लगभग बराबर है यार, लेकिन ठीक है आपने 3 बार सेट किया, 3 बार डिफरेंट तरीके से सेट करके देख लो। तो जब डिस्प्लेसमेंट मेथड करते हैं तो ओरिजिन फिक्स, तब आपको बस डिस्टर्ब कर लेना होता है इसको और जो है फिर इससे इन्वर्टेड इमेज पाना होता है, उसके ऊपर लोकेट करना होता है। जब लोकेट हो गया तो ओ एल एल वन आई दूसरे तरफ आके फिर आपको नई पोजीशन लेंस की सेट करनी होगी इधर से, ताकि इधर से भी पैरालैक्स ना हो, फिर उस एल टू को नोट कर देना इस तरीके से। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास आता है कॉन्केव की फोकल लेंस इधर कॉन्वेक्स, इसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो यही है इसको हम मान लेते हैं फिक्स कर दे रहे हैं, इसीलिए ऑप्टिकल क्योंकि धूप मार रहा है। हाँ, स्केल तो आपके हाथ में है ना, आप उधर खड़े हो गए अगर तो आप ऐसे रीडिंग लीजिए, आप इसको हैंडेड अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको आप 73 पढ़िए और फिर इसको आप इधर 4 पढ़ेंगे तो आपके इधर उधर होने से रीडिंग नहीं चेंज हो रही है। आपने स्केल लगाया, आप स्केल पर डुअल स्केल इसीलिए मिलती है, आप किसी एक तरफ का सेट नोट कीजिए और हर बार अगर आपने फिक्स किया कि इस इधर से 1, 2, 3 काउंट करना है, ये फिक्स कर लिया आपने तो चाहे आप इधर आए चाहे आप उधर लाएँ हमेशा स्केल ऐसे ही रहती है। ठीक, तो इस तरीके से अगर मान लेते हैं ये आ जाए कॉन्केव डिटर्मिनेशन, तो कॉन्केव में सबसे पहले तो वही है कि पैरालैक्स दूर करके उसकी इन्वर्टेड इमेजेस के ऊपर लोकेट कर लें। ठीक है, जैसे अगर हम ये मैंने पैरालैक्स दूर कर लिया, पैरालैक्स मैंने दूर कर लिया, ठीक है इधर खड़े हैं, ये कॉन्केव की फोकल लेंथ के लिए बता रहा है। पहला कॉलम ऑब्जेक्ट नीडिल कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन, दूसरा कॉलम इमेज नीडिल की पोजीशन, तीसरा कॉलम, चौथे कॉलम में आने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज नीडिल के बीच में आपको इसे रखना होगा। रखने के बाद आपको
इसे ऐसे अरेंज करना होगा कि वही सिचुएशन में, क्योंकि इसको रखते ही पैरालैक्स अपीयर हो गया, हो सकता है विजिबिलिटी भी कम हो गई, हो सकता है दिख ही ना रहा हो। आपके पास ऑप्शन है, आप ये जो इमेज निकल रही ये दोनों, वो दोनों नहीं छूना, ये दोनों टच कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें ऐसे देखने पे दिख रहा है कि हम सेट कर ले जाएंगे और मुझे लग रहा है मिल भी गया, ठीक है, हमें नहीं चेंज करना। अगर चेंज करना पड़ता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉमिनल चेंज करना पड़ता है, 1-2 mm का खिसकाना पड़ता है, यानी कि पहला जब ये नहीं रखे थे तो 3 रीडिंग तो पहले ही जनरेट हो गई थी। ऑब्जेक्ट निडिल की पोजीशन, कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन एंड इमेज पोजीशन, 3 कॉलम, चौथा कॉलम है कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन, कॉन्केव लेंस की पोजीशन चौथा, और पांचवा है इमेज निडिल की नई पोजीशन, ठीक है, 6। अब देख लीजिए किसका किसके साथ क्या कि और कॉलम बढ़ेंगे ना, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो होगा, तो वो तो देखना पड़ेगा मुझे भी, लेकिन 3 कॉलम और बनेंगे। जब 3 कॉलम और बनेंगे तो उन 3 कॉलमों से फिर लगाएंगे कॉन्केव की फोकल लेंथ, तो 1/2 2/2, तो जब ये मिल जाएगा, इसमें भी आपको ग्राफ नहीं खींचना है, फिर सब डिस्टर्ब कर लीजिए, डिस्टर्ब कर लीजिए मतलब ये नहीं है कि 5 mm हम आगे बढ़ाएं, नो, ग्राफ खींचना ही ठीक है, आपने फिर से सारा सेटअप डिस्टर्ब कर दिया, फिर से आपने इसको कोई नई पोजीशन दे दी है, फिर यहाँ से आप 0-0 पढ़ना शुरू कर दीजिए, फिर इससे उसकी इन्वर्टेड इमेज बनाइए, इसको हटा लीजिए, इससे लोकेट कर लीजिए, ठीक है ना, आपने इसके लगा के नोट कर लिया जहाँ है वहीं से, इसको आपने 0-0 पढ़ लिया तो इसको आप 44 पढ़ रहे हैं और इसको आप 93 पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 कॉलम फिल हो गया। फिर आपने इसको रखा और आपने देखा कि ये यहाँ और इसको यहाँ करने का सेट हो गया, तो वही जो स्केल लगी हुई थी आपने जिससे उसको 0-0 पढ़ा, इसको आपने 44 पढ़ रखा था एंड ऑन उसी स्केल पर, क्योंकि तो स्केल फिक्स हो चुकी है अभी, इस एक पार्टिकुलर रीडिंग लेने में फिक्स हो चुकी है, मतलब ये 0-0 पढ़ चुके थे, इसको वही करिए, और ये अभी 45 पर है और ये अभी 75 पर है और ये अभी इधर देखेंगे तो 96 पर है, फिर आपको ये 5 मिल गया, फिर आपने डिस्टर्ब कर लिया, फिर आपने जो है इसको आगे पीछे करके उसका इन्वर्टेड पाया, इससे आपने पैरालैक्स दूर कर लिया और फिर आप 0-0 से फिर रीडिंग ले रहे हैं, यही से आप यहाँ से रीड कर रहे हैं 0-0, इसको रीड कर ले रहे हैं 47, इसको रीड कर ले रहे हैं 72, इसलिए उसके बाद आप इसको लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको ये यहाँ करना पड़ा और ये यहाँ करना पड़ा, अब जा करके पैरालैक्स दूर हुआ, तो वही जो 0-0 फिक्स कर चुके थे उसी के रिस्पेक्ट में अभी कॉन्केव का कॉलम बढ़ेगा 75, इमेज निडिल का कॉलम बढ़ेगा 99। इस तरीके से कॉन्केव का फोकल लेंथ डिटरमिनेशन।